में आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा जो है कलकतिया धर्मशाला है। आप एक बार दिखा दीजिए पूरे अच्छे तरीके से, ये देख सकते हैं पूरा ये सेट बन रहा है और कावर रखने के लिए भी इधर भी बनाया गया है। और इधर देखिए महिलाएं स्नान कर वहाँ पे, उधर जो है महिला सब जा सकते हैं। और पूरा ये जो देख सकते हैं कुआं वगैरह है ये पूरा भरा पड़ा हुआ रहता है। और साथ ही पीछे भी जो बन रहा है खेत है, जैसे कि मकई वगैरह लगा हुआ है, हो सकता है कि अगर जगह कम पड़े तो उधर भी उसका भी प्रयोग किया जाता है। अब हर हर महादेव, जय शिव, जय भोले बाबा। तो दोस्तों अभी हम हैं कलकतिया धर्मशाला में और आप लोगों ने बोला था कि हमें दिखाइए कलकतिया धर्मशाला का क्या है अभी तैयारी, तो वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो बेसिकली अगर यहाँ पे देखें तो इधर जो है एक टेंट बन रहा है और हम आपको दिखाते हैं इधर पूरा ये जो टेंट है पूरा एकदम आपको उस श्रावणी टाइम में आपको पूरा ये दिखेगा, एकदम हर जगह ये पूरा सेट बना दिया जा रहा ताकि बारिश भी हो तो किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। और भी ये कैंपस में होगा। तो हम चलिए हम अंकल से जानकारी लेंगे और हम आपको दिखाते हैं और बात करते हैं कि और क्या क्या चीज़ यहाँ पे सुविधाएं मिलने वाले हैं। बेसिकली मैंने बहुत बार इनका वीडियो बनाया हो तो जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ पे जितनी भी सारे सुविधाएं हैं वो बिल्कुल आपको मुफ्त में दिया जाएगा और किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक जो रूम है ये कावर घर लिखा हुआ है, ये कावर घर है, यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से भी रंग पेंट हो रहा है। तो आइए हम दिखाते हैं, सबसे पहले हम आपको दिखा दें उसके बाद बात करेंगे कि कैसा यहाँ पे सुविधा रहेगा। तो आइए थोड़ा सा दिखाते हैं, ये बेसिकली बहुत अच्छी सुविधा है कि यहाँ पे जो है इस तरह का बना दिया गया, ये कावर घर है। अब देखिए एक तो इस बार क्या क्या ऊपर भी लगा दिया गया, आप नीचे भी यहाँ पे कावर रख सकते हैं फिर ऊपर भी रख सकते हैं। और ऐसा बनाने का मेन मकसद इनका है कि काफी जनसंख्या में यहाँ पे जो है कलकतिया धर्मशाला स्टॉपेज रहता सबों का, तो हर कोई चाहता है कि कलकतिया धर्मशाला में रुकें और बहुत सारे का स्टॉपेज भी रहता है। तो इसलिए पूरा जो है श्रावणी टाइम में अगर देखेंगे ये तो पूरा जो है भर जाता है और पूरे में ये कांवर शिव रखा जाता है, ना कि किसी तरह का कोई भी यहाँ श्रद्धालु रहते, पूरे में क्या रहता है कांवर। तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से इसका सुसज्जित तरीके से इसका बनाया गया है। और अभी इसमें और भी काम होगा, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, 1 तारीख तक लगता है जहां तक मेरे फिनिशिंग हो जाएगा। आइए जानते हैं वहां पे जो इनके जो यहाँ पे जो रहते वो बताएंगे कि कब तक ये फिनिशिंग हो जाएंगे और कैसा रहेगा, ठीक है। और ऊपर भी रूम है, अगर आप देखेंगे तो रूम भी हम आपको दिखाएंगे, रूम नहीं इस तरह का हॉल बना हुआ ताकि ज्यादा संख्या में क्या है तवेरिया रुक सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह का आपको बुक नहीं करना होगा, यहाँ पे आए और आप क्या कर सकते हैं रह सकते हैं, किसी प्रकार का मतलब दिक्कत नहीं होगा। तो आगे इधर भी देख सकते हैं, इधर शायद कुछ दुकान वगैरह लगा हुआ रहता है, तो हम आपको दिखाएं कि ये साइड जो है यहाँ पे दुकान वगैरह शायद लगा हुआ रहता है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और वैसे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ तैयारी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कलकतिया धर्मशाला में हैं और जानते हैं अंकल से कि यहाँ पे जो है सुविधाएं क्या क्या मिलेगा। अंकल आपको यहाँ सारी सुविधा निःशुल्क मिलता है, जैसे चाय देते हैं, हलवा देते हैं, चना देते हैं, फल देते हैं, मुरब्बा देते हैं, ये सब खाना भी वगैरह सब भी खाना नहीं वही वो कुछ बनाया तो देवे किए। और अपना अगर वो चाहते बनाने के लिए बना के वो अपना बना रखा, उसे सारी सब सेवा निःशुल्क है, तो बहुत अच्छा है। और ये अभी कब तक ये पूरा फिनिश हो जाएगा? मेला के 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन पूरा फिनिश हो जाएगा ना, 30 तारीख तक फाइनल हो जाएगा, 30 तारीख तक फाइनल हो जाएगा। आइए हम आपको अंदर भी दिखाते हैं रूम कैसा है, लेके चलते हैं अंदर। ये देख सकते हैं हमारा शिवपुरी धर्मशाला कलकतिया श्रीमती नारायणी देवी की प्रेरणा से उनके सुपुत्र मूलचंद्र चहड़िया ने इसका निर्माण कराया है, ठीक है। तो अंदर हम लोग आते हैं, प्रवेश करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि ये जो है अभी आप ऐसा देख रहे हैं लेकिन ये जो है ना मेला के 2-3 दिन या 2-4 दिन पहले आपको पूरा जो है ये रूम जो है पूरा फिनिश दिखेगा। अब चारों तरफ से आप दिखा दें कि ये जो है हमारा किस प्रकार से ये पूरा बाहर में पूरा ये हॉल है, ठीक है। और फिर ऊपर भी हम आपको दिखाएंगे, इधर देखिए हॉल बनाने का मेन कारण है ये है कि यहाँ पे किसी प्रकार से मतलब कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ सकते हैं। ये पूरा हॉल है, यहाँ पे पंखा वगैरह भी है और भी आपको श्रावणी टाइम में पूरा आपको मिलेगा, यहाँ पे पूरा जो है ना ये इसको सही से अच्छे तरीके से कर दिया जाएगा। फिर वो साइड भी है जो कि हम आगे से आपको दिखाते हैं, चलिए लेके आते हैं इधर से और हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है
आपको बहुत बेहतर तरीके से आपको मिलेगा। ये देख सकते हैं, इधर आ जाएंगे तो इधर भी आप ठहर सकते हैं आराम से। ये देख सकते हैं, ये ठहरने के लिए ही है, थोड़ा सा ऊंचाई पे करके बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है ताकि ज़्यादा संख्या में क्या है आए। अब यहाँ पे ये सारा चीज़ क्या है, यहाँ पे शायद कुछ रखने के लिए दिया गया है, इस तरह का बनाया गया है कि यहाँ पे कुछ सामान वगैरह आप रख सकते हैं। और ये भी था, ये था पूरा आपका, लाइटिंग वगैरह भी सारा वो तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको ऊपर की ओर ले चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर की क्या है व्यवस्थाएं। अब निश्चित रहिए कि ये आपको श्रावणी मेला स्टार्ट होने से पहले ही आपको पूरा ये कंप्लीट मिलेगा, उसके लिए निश्चित रहे किसी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। और आपको पता होगा कि कलकतिया धर्मशाला इतने चर्चित हैं कि जितने भी मैंने बहुत सारा कमेंट पढ़ा है कि सब लोग कलकतिया धर्मशाला के बारे में बोले हैं, तो कलकतिया धर्मशाला जो है बहुत बोल से चर्चित है। और हर का स्टॉपेज जैसे ही दुमा बॉर्डर से क्रॉस करते हैं, अगर झारखंड में प्रवेश करते हैं तो कलकतिया धर्मशाला हर कोई स्टॉपेज होता है, हर कोई रुकते हैं। तो इसमें और भी सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन जितना भी है पर्याप्त है। और क्योंकि ज़्यादा देर तक तो ठहरते नहीं है, रात को इनको थोड़ा कुछ देर तक ठहरना उसके बाद चल देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हॉल है आपका ऊपर में, जैसे ऊपर आते हैं तो इस प्रकार से हॉल मिलेगा। ना ही कि आप चाहते हैं कि हम प्राइवेट एक हमारा रूम है, ऐसा यहाँ पे नहीं मिलेगा। कुछ कुछ यहाँ पे रूम है जो कि उस समय कवरिया के लिए भी उपलब्ध कराया जाता है, आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये था आपका ऊपर का, इधर भी आएंगे तो इधर भी आपको दिखेगा, इधर हर जगह जो है फैन चलता रहेगा। सावन में आपको यहाँ पे देख सकते कि फैन का तो सावन में जरूरत ही नहीं पड़ता है, लेकिन उतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी फैन जो है यहाँ पे आपको दिया गया है, फैन से भी आप हवा वगैरह लगेगा। और चारों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये थोड़ा सा इसमें सिर्फ क्या है, कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि इसमें बारह मास जो है ना कवरिया आते हैं यहाँ पे ठहरते हैं। बस आप इसमें क्या पेंट वगैरह कर दिया जाएगा तो ये रेडी हो जाएगा। और जो हमारा बात रहा ऊपर की बात, जो बाहर में जो बना हुआ वहाँ पे सेट तो बना ही रहे हैं, और हम आपको ऊपर से भी अच्छे से व्यू दिखाते हैं कि ऊपर से किस प्रकार से कवरिया पद भी देखने को मिलता है। तो चलिए आइए, और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं, स्क्रीन पे जो आपको फोन पे नंबर दिया है आप ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको इस प्रकार से लेटेस्ट जो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करके मैं दिखाऊं, और बेहतर से बेहतर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए ऊपर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। अभी सारा साफ सफाई हो रहा है, अभी संपूर्ण नहीं हुआ है, 4-5 दिन के अंदर ये पूरा जो है क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर आप देखिएगा तो बहुत ही सुंदर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे भी ठहर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से आप यहाँ पे रुक सकते हैं। और ये भी पूरा भरा पड़ा हुआ रहता है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ से आपको दिखाऊं कि यहाँ का व्यूज कैसा लगता है देखने में। आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा जो है कलकतिया धर्मशाला है। आप एक बार दिखा दीजिए पूरे अच्छे तरीके से, ये देख सकते हैं पूरा ये सेट बन रहा है, और कावर रखने के लिए भी इधर भी बनाया गया है। और इधर देखिए महिलाएं स्नानघर वहाँ पे, उधर जो है महिला सब जा सकते हैं। और पूरा ये जो देख सकते हैं कुआं वगैरह है, ये पूरा भरा पड़ा हुआ रहता है। और साथ ही पीछे भी जो बन रहा है खेत है, जैसे कि मकई वगैरह लगा हुआ है, हो सकता है कि अगर जगह कम पड़े तो उधर भी उसका भी प्रयोग किया जाता है। अब चले आते हैं हम लोग ये साइड, और इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर की क्या स्थिति है। उधर जो है हम अगर आप दिखाएं ये साइड जो है आपका जो है दुकान वगैरह लगा हुआ रहता है वो साइड, ठीक है, वो साइड आपको दुकान वगैरह कुछ देखने को मिलेगा, मे भी हो सकता है उधर खाना वगैरह आप बना सकते हैं। और ये चीज़ जो हम आपको पहले ही दिखा दिए हैं, आइए इधर दिखाइए सर जी, कि इधर जो है आपको ये कावर घर है, ठीक है, ये इधर दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए, ये जो आपका कावर घर है, तो ये आपको पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ कावर रखा हुआ दिखेगा, सावन में बहुत बेहतर तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा कलकतिया धर्मशाला का पूरा एक्सप्लोर करके मैं दिखाया हूँ। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, इस प्रकार के अगर आपको पूरा अच्छी तरीके से डिटेल्स वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि मैं लगातार जो है ना बेस्ट वीडियो कोशिश करता बनाने के लिए। और हमारे बाबा वैद्यनाथ धाम से हमको चलना पड़ता है सुल्तानगंज की ओर, जो कि काफ़ी खर्च हो जाता है, तो इसलिए आप लोगों से प्यार और सपोर्ट आप लोग का बहुत चाहिए। और
बाबा आप लोग को हमेशा खुश रखें और आपके सारे मनोकामना पूर्ण करें। मैं हमेशा बाबा से दुआ करूंगा। हर हर महादेव।